नमस्कार छात्रों, हमारे SDL क्लासेस में आपका स्वागत है। फाइनली आपके लिए मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आ चुका हूँ, जो आपको इन जैसे प्रश्नों को तैयार करना है ताकि आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न इस तरह के क्वेश्चन आंसर बनने चाहिए। यहाँ पे प्रश्न देखते हैं, ठीक है। प्रश्न क्या है, आपके निवास के आसपास जहाँ आप रह रहे हैं, नालियों की सफाई कराने हेतु कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करने हेतु सुझाव देते हुए अपने नगर निगम को एक समक्ष अधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखना है। ऐसे एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ जाएंगे आपके, तो आपको एप्लीकेशन लिखना है किसको, नगर पालिका को, क्योंकि हमारे यहाँ पे नाली की सफाई नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जाम। चलिए उत्तर देखते हैं अपन क्या क्या है। तो यहाँ पे नगर निगम के समक्ष अधिकारी को नालियों की साफ सफाई हेतु कराने हेतु कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव कराने हेतु आवेदन पत्र, ताकि मच्छर वगैरह ना फैले, इसलिए इन चीज़ों का छिड़काव कराना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये प्रश्न यहाँ से पूरा जान लिए हैं और आंसर की ओर चलते हैं। तो फाइनली बताते हैं आपको, अगर हमारे SDL क्लासेस पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूले दोस्तों में, ताकि मैं से IMP प्रश्न लाते रहते हैं। और दोस्तों को बताइए कि सर ने क्लासेस स्टार्ट कर दी है। आप किसी भी क्लास में हो, 9 से 12, यहाँ पे लिखा है क्लास 6 टू क्लास 12, किसी भी क्लास में हो आप, ऐसे प्रश्न अगर आता है तो आप बेशक इसके आंसर लिख सकते हैं। चलिए प्रश्न के उत्तर की ओर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेवम लिखा, श्रीमान आयुक्त महोदय नगर निगम भोपाल, ठीक है। आप अपने यहाँ पे लिख सकते हैं शहडोल भोपाल मंडला, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे महोदय पे अपन लिखने चलते हैं। विषय आप यहाँ पे, सॉरी मैंने विषय भूल गया है, तो यहाँ पे लिख देना आप सेवक बाद विषय लिख लेना, ठीक है। विषय में, और विषय में आपको लिखना नगर निगम के समक्ष अधिकारी नालियों की सफाई कराने हेतु कीटनाशक दवाई को छिड़काव कराने का विषय, ठीक है, आवेदन पत्र। ये चीज़ आप विषय में लिख लीजिएगा, तो यहाँ पे मैंने ऊपर टाइप कर दिया, आप इसको विषय में टाइप कर सकते हैं, ठीक है। नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर पहले पे इसी तरह सेम लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आप यहाँ पे चलिए महोदय में आइएगा, तो महोदय में क्या लिखना है आपको, मैं आपका ध्यान नगर की ओर नेहरू कॉलोनी की स्वच्छता के संबंध में आकर्षित करना चाहता हूँ। आप अगर नेहरू नगर है तो नेहरू नगर में लिख लीजिएगा। इस कॉलोनी में पिछले 2-3 माह से नियमित सफाई नहीं की जा रही, इस कारण नालियाँ स्लिट और गंदगी से भरी पड़ी हैं, इसे मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, साथ ही महामारी फैलने का भी भय पैदा हो गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको सेम टू सेम ऐसे हूबहू लिखना है, ताकि आपके नंबर नहीं कटने चाहिए, ठीक है। पूरे के पूरे नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। चलते हैं, अतः आपसे आग्रह है, निवेदन है कि अपने अधीनस्थ सफाई कर्मियों को कॉलोनी में नाली की सफाई करने और कीटनाशक औषधि को छिड़काव के लिए अपने निर्देश देने की कृपा करें। इस कॉलोनी का पर्यावरण स्वच्छ बना रहे, ठीक है, और ताकि पढ़ाई में डिस्टर्ब ना हो। ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ यहाँ से हो चुका है। चलिए यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको सेम टू सेम ऐसे लिखेंगे तो आपको पूरा पूरा नंबर लिखना है। भवदीप में आप लिखना नेहरू मोहन स्वरूप नेहरू कॉलोनी भोपाल, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पे लिख लेना, अपना नाम यहाँ पे लिख सकते हैं मोहन के जगह में, ठीक है। एड्रेस अभी अपना लिख सकते हैं आप जहाँ के हैं। तो फाइनली महोदय में लिखना है, मैं आपका ध्यान नेहरू नगर की ओर स्वच्छता के संबंध में आकर्षित करना चाहता हूँ। इस कॉलोनी में पिछले 2-3 माह से नियमित सफाई नहीं की जा रही, इस कारण नालियाँ स्लिट तथा गंदगी से भरी पड़ी हैं, इससे मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, साथ ही साथ महामारी फैलने का भी भय पैदा हो गया है। अतः इससे संग्रहण है कि आप अपने अधीनस्थ सफाई कर्मचारियों को कॉलोनियों की नाली सफाई में और कीटनाशक औषधि के छिड़काव के लिए निर्देश करने की कृपा करें। इस कॉलोनी में पर्यावरण स्वच्छ बना रहेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको पूरा पूरा सेम टू सेम लिखेंगे, आपको पूरा पूरा नंबर 4 नंबर में से आपको 4 नंबर मिलने हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई 4 नंबर से आपका कोई 4 नंबर नहीं काट सकता है, और फाइनली इस तरह आपको लिखने से। और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ऐसे वीडियो के लिए, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। और मैं आपको एक निर्देश दे देना चाहता हूँ कि आपको नीचे दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, क्या आप हमें गूगल पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, साथ साथ में हमें आप इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे चारों के चारे चीज़ दिखाई दे रही हैं, आप इन सब में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप यूट्यूब पे जाएंगे तो SDL क्लास सर्च करेंगे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको जैसे जैसे जाएंगे आप वहाँ पे ऐसे हिसाब से सर्च करते चलिएगा, ठीक
गूगल पे ऐसे सर्च करना है, यूट्यूब पे एच डी एल क्लासेस, ठीक है, हर एक जगह पे आपको मिलूंगा। और आप पे आपको फॉलो कर लेना है इंस्टाग्राम आईडी पे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।